दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। गेस्ट अध्यापक नीति के विरोध में जिला चंबा के युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज बेरोजगार युवाओं ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय चंबा में आक्रोश रैली निकाली। रैली के उपरांत उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने गेस्ट अध्यापक नीति का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों के 2600 पद भरने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से बेरोजगार युवा अध्यापकों में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। नहीं चलेगी। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। जो कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चंबा में पढ़ता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल से, जो लगभग पिछले दिसंबर से कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन बनते ही जो इन्होंने वादे किए थे कि हम 1,00,000 नौकरी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हमने देखा कि क्या सच में यही करेंगे। लेकिन इनसे ना एक साल में इनसे चयन आयोग ही नहीं बना है। पिछले एक साल से, पूरा एक साल हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश चयन आयोग पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं। खाली एक रिपोर्ट निकाली थी कि हमने बना दिया है, उसका स्ट्रक्चर कौन है, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, बैठ कौन रहा है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि आप बच्चों को क्या बता रहे हो? अरे 9 महीने में तो लड़का और बच्चा भी तैयार हो जाता है, इनसे एक साल में चयन बोर्ड नहीं बन रहा है। क्या इतने अनपढ़ लोग हैं या हमारे साथ जानबूझ के खेल रहे हैं? बनाना नहीं चाहते ताकि देश का युवा जो इस तरह से मतलब मेंटली परेशान रहे। ऊपर से अभी 2 दिन में क्या कि इन्होंने एक गेस्ट फैकल्टी की टीचर की अनाउंसमेंट कर दी कि अब से होगी गेस्ट फैकल्टी। अरे ठीक है, होगी। लास्ट एग्जाम कब हुआ था जेबीटी का? 2019 में। 19 के बाद कब 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर 25 साल से तैयारी कर रहा है, आज उसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 30 साल। अब वो गेस्ट फैकल्टी में जाएगा तो मतलब उस 5 सालों में क्या किया? उससे बेटर था वो प्राइवेट ज्वाइन कर लेता 5 साल में, कहीं अच्छा कमाता तो सही। बेचारा 5 साल से लाइब्रेरी में बच्चा परेशान है, और ये आके बोल रहे हैं कि अब गेस्ट फैकल्टी होगी, और वो भी किस बेस पर होगी? परसेंटेज बेस पर। मतलब सीधे सीधे बोल दो कि अपने बंदों को भर्ती कर रहे तुम लोगों ने। गेस्ट फैकल्टी की पोल चिल्लाने का मतलब ही क्या बनता है? मतलब जो युवा पिछले 5 साल से बैठ कर सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि एक जेबीटी या टीजीटी या पीजीटी का कमीशन आएगा, एक जोए का पेपर आएगा, जब वो पेपर नहीं आ रहा उसके पढ़ने का मतलब बच जाता है कोई? आज सरकार सिर्फ अपना देख रही है। जब इनको अपना कुछ बढ़ाना है, जब अपना कहीं घूमना है, तो ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। लेकिन जब युवा की बात आ रही है तो गेस्ट टीचर रखने हैं, तब इनको जोए भी आप देख लोगे, बैकडोर एंट्री जोए की भी हो रही है, लेकिन बताया नहीं जा रहा। जेई इन्होंने नाइलेट के थ्रू रख लिए प्राइवेट, तो वो लोग जो मतलब पढ़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उनका क्या, क्या उनका भविष्य दिख रहा है कहीं? हिमाचल में सबसे युवा बेरोजगारी की बुरी हालत आज की डेट में हो गई है, और हम ये सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी पॉलिसियों को सुधार लें। जो अपने वादे किए थे उतने नहीं निभा पाओगे तो कुछ तो निभा दो, टेस्ट तो निकाल दो, चयन बोर्ड तो बना दो। जो पॉलिसी, जो एग्ज़ाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 965 939 ऑलरेडी फाइनेंस से अप्रूव है, एग्जाम होने थे इनके, तुमसे नई भर्ती नहीं हो रही। तुम ये एग्जाम तो ले लो, तुम 817 को तो कोर्ट से निकाल दो, तुम उसकी तो डिसीजन कर दो, तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नई क्या उम्मीद की जा सकती है? तो हमारा फिर से यही निवेदन है कि अभी हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं कि तुम अगर जल्दी से कुछ अच्छा करते हो, एग्जाम निकालते हो, चयन बोर्ड बनाते हो, तब ठीक है, लेकिन इसके बाद यही आंदोलन जो है इससे ऊपर भी उठ सकता है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।